नमस्कार, एटी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं यशमीन। खड़ी रोड पर बस में ट्रक ने मारी टक्कर, बच्चों समेत दर्जनों यात्री घायल, सात की हालत गंभीर। छोटे कपड़े पहनने पर नाराज पति ने की पत्नी की हत्या, उतारा मौत के घाट। प्लास्टिक के पाइप में लगी भीषण आग, धू धू कर जले लाखों के पाइप। अनियंत्रित बस ने बाइक सवार पुलिसकर्मी को रौंदा, कांस्टेबल हुआ गंभीर रूप से घायल। दबंग व्यक्ति की गाली गलौज व दबंगाई से परेशान आधा दर्जन महिलाओं ने एसएसपी से शिकायत कर लगाई मदद की गुहार। उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा होली महोत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अब बुलेटिन विस्तार से। दिल्ली अलीगढ़ कानपुर नेशनल हाईवे 91 पर देर रात दर्दनाक हादसा होने का मामला सामने आया है। बता दें, एक ट्रक खराब होने के बाद NH 91 पर सड़क किनारे खड़ा था, तभी खराब ट्रैक्टर के पीछे खड़ी एक रोडवेज बस में तेज रफ्तार के साथ आ रहे ट्रक ने पीछे से दमदार टक्कर मार दी। वहीं यात्रियों से भरी बस में टक्कर लगते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई, जबकि रोडवेज बस में सवार एक दर्जन से करीब मासूम बच्चे सहित बाकी अन्य यात्री खून से लथपथ गंभीर रूप से घायल हो गए। देखते ही देखते वहां का माहौल अफरा तफरी का हो गया। पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने रोडवेज बस में फंसे सभी यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए एक एक कर सभी यात्रियों को बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में मासूम बच्चों सहित सभी घायलों को उपचार के लिए एम्बुलेंस के जरिए मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी घायलों का उपचार जारी है। तो वहीं 7 से 8 लोगों की गंभीर हालत बताई जा रही है। यहाँ पर ट्रैक्टर खराब हुआ था, खड़ा हुआ था और गाड़ी साइड में खड़ी कर दी थी, पीछे से ट्रैफिक निकल जाएगा, धीरे धीरे गाड़ी को निकालेंगे। जैसे ही जो गाड़ी खड़ी थी साइड में, दो ट्रक निकल गए, पीछे से ट्रक ने धड़ाम से पीछे से खड़ी गाड़ी में टक्कर दी। सवारी कितनी सवारी होती लगभग? सवारी गाड़ी में सवारी थी 45-42 सवारी। अच्छा, कितनी सवारी घायल है उसमें? पीछे की सीटें हैं, इधर देखो पीछे की सीटें हैं, जो पीछे डैमेज हो गई है। हाँ? चार सीट। तो कितनी सवारी लगभग घायल होंगी? एक दर्जन से लगभग घायल बताई जा रही है, वैसे इतनी है या नहीं? इतनी नहीं है। कितनी होगी? चोट तो लोगों की आई है, चोट पीछे रखकर लगी, चोट तो लोगों की आई है, गुमचोट तो आई है लोगों की, लेकिन पांच चार सवारियों की चोट आई है। 5-7 ज्यादा गंभीर है। अलीगढ़ बरला में पत्नी का कम कपड़ों में छत पर जाना युवक को इतना नागवार गुजर गया कि गड़ासी से हमला कर उसकी हत्या ही कर दी। जालिम पति ने पत्नी का हाथ, सिर, कान, गर्दन पर ताबड़तोड़ कई बार किए। पुलिस के सामने पूरी घटनाक्रम भी बताई। आरोपी पति ने बताया कि उसकी पत्नी आपत्तिजनक वस्त्र पहनकर छत पर चढ़ जाती थी, ये बात उसे नागवार गुजरती थी। मना करने के बाद भी वे बार बार ऐसा करती थी, इसी वजह से उसने पत्नी को मार दिया। पत्नी को मारने के बाद बैठा पति अपनी मरी हुई पत्नी को निहारता रहा। इसकी जानकारी जब लोगों को हुई तो पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हथियार को बरामद कर पति को हिरासत में ले लिया। अच्छी जी, कहां के रहने वाले? गाजीपुर। अच्छा, ये गाजीपुर में एक महिला की मौत हुई है, तो क्या लगती है रिश्ते में आपके और क्या कारण रहा है मौत हुई है? हम पड़ोसी है, पड़ोसी पास में मकान है। अच्छा, तो हमारे तो ये भतीजे की बहू लगते हैं पड़ोस के नाते। अच्छा अच्छा, तो क्या कारण रहा है, किस कारण इसकी जो है मौत हुई है? मियाँ बीवी का कोई फसाद होगा। मियाँ बीवी का? तो ये बॉडी जो इसकी जो बताई गई है कि नग्न अवस्था में है, तो इसका क्या जी? हमने नहीं देखा, हम कैसे बता देंगे जब देखा ही नहीं है। तो अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र के मालवीय पुस्तकालय के पास की घटना है, जहां अंडरग्राउंड बिजली के केबल डालने के लिए रखे प्लास्टिक के पाइप में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग के शोलों ने ऊंचाई पकड़ ली। बता दें कि स्मार्ट सिटी को लेकर शहर में काम चल रहा है और अंडरग्राउंड बिजली की केबल डालने के लिए कई जगह प्लास्टिक के पाइप रखे हुए हैं। वहीं प्लास्टिक के रखे पाइपों में अचानक भीषण आग लग गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखते ही देखते आग इतनी बेकाबू हो गई कि आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। वहां रखे लाखों के पाइप धू धू कर जलने लगे। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। वहीं मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर बमुशक्कत काबू पाया। हालांकि आग किन कारणों से लगी इसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। आग लगी है, कैसे? आग लगी, पाइपों में आग लगी, जैसे ही हमें सूचना मिली हम तुरंत फौरन रवाना हुए पुलिस लाइन से, और दमकल की गाड़ी यहां पर लगी है और बहुत ही मौका रहते हुए आग को बुझा लिया गया। तो किस चीज किसके पाइप है? ये पाइप थे, प्लास्टिक के पाइप थे। क्या नगर निगम की तरफ से पाइप डाले गए? जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार।
अलीगढ़ बन्ना देवी थाना इलाके के मसूदाबाद चौराहे पर अनियंत्रित रोडवेज बस ने बाइक सवार पुलिसकर्मी को बेरहमी से रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। दहली गेट थाने में तैनात कांस्टेबल अजीत सिंह बस की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पुलिसकर्मी को जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। अलीगढ़ काशीराम आवास में एक व्यक्ति की गाली गलौज व दबंगाई से परेशान आधा दर्जन से अधिक महिलाओं ने एसएसपी कार्यालय आकर शिकायत दर्ज और मदद की गुहार लगाने का मामला सामने आया है। महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र में ही एक दबंग व्यक्ति है जो अक्सर महिलाओं से गाली गलौज और बदतमीजी करता है। महिलाओं का आरोप है कि व्यक्ति दबंग किस्म का है और प्रशासन द्वारा अलॉट किए जाने वाले काशीराम आवासों को जरूरतमंद व्यक्ति को रुपये देकर बेच भी देता है। महिलाओं ने कहा कि कुछ समय पहले भी उसने सबके साथ बदतमीजी करी और गाली गलौज भी की। इस तरह की हरकत वह आए दिन करता रहता है, जिसका असर हमारे छोटे बच्चों पर भी पड़ रहा है और जिसकी वजह से पूरा माहौल खराब हो रहा है। इसकी शिकायत कई बार पुलिस को दी जा चुकी है, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मैं लज्जा देवी कहाँ रहते हो? बापूधाम में रहती हूँ। मैं अच्छा, क्या घटना हुई है, कौन है? ये हुआ कि ऐसा, मैं मेरे बच्चे उधर नाच रहे थे, नाचने में उसने ऐसा करा कि वो डीजे बंद करा दिया, फिर मेरे बच्चों को छोड़ा के पटकने लगा। मैं कहीं छोड़ाने तो मेरे पेट मारा इसने, मेरे बच्चों को मारा, तो माँ कौन सी देख लेगी? कौन है, किसने मारा है? मनोज ने देता है। और पुलिस की नो कहता है, पुलिस तो मेरी जिम में रहती है, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम मेरे बाल भी नहीं उखाड़ सकती हो। कौन है ये, है कौन? क्या मालूम, बरेली का रहने वाला है। क्या करता है? कुछ नहीं करता, यही धंधेबाजी करता है। क्या कहना, फ्लैट बेचना? कौन से वाले फ्लैट बेचता है? ये बाबूधाम काशीराम, हाँ, सरकारी फ्लैट। पैसे वैसे लेता है क्या? पैसे भी लेता, 50,000 तो मुझसे लिए हैं। 50,000 मुझसे लिए तो कह रहा है तो क्या कुछ कागज वागज देता? नहीं देता, नहीं कुछ नहीं दिया अभी मेरे को भी, बस ताला खोल देता है। नो कह रहा है कि भागो यहाँ से, तुझे तो मैं भगा के छोड़ूंगा, मुझसे कह रहा तुझे भगा के छोड़ूंगा। हम मनोज की शिकायत लेकर आए थे, इसने सब लेडीजों को परेशान करके धर रखा है, लज्जावती को मारा इसने। अगर मैं इसके बीच में बोलने गई तो मुझे धमकी दी है इसने, मेरे घर पे आके सब लेडीज़ों को चढ़ा के, इन्होंने जो मुसलमान और बाहर से इसने लड़के बुलाए थे, मेरे घर पे आके चढ़ाए, कहता तुझे हवा में उड़ा दूंगा, पुलिस तो ऐसी मेरी जेब में रहती है। कौन है मनोज? कौन है मनोज? वहीं पर दल्ला है, वहीं का करता। क्या करता है? वो फ्लैट बेचता है, फ्लैट खरीद के फ्लैट बेचता है महंगे महंगे। कौन से वाले फ्लैट? ये बापूधाम के फ्लैट, जो सरकारी फ्लैट है, सरकारी फ्लैट जो है उनको बेचता है। हाँ, शिकायत की है एसएसपी ऑफिस से आपने? हमने की है, की अब भी की है। मारपीट वगैरह भी की थी आप लोगों? हाँ, मारपीट की है, उनको मारा है लज्जावती को। तो अब मुलाकात होगी साहब से? हाँ, क्या आश्वासन दिया है? वो कह रहे हम कार्रवाई करेंगे। अलीगढ़ के रसलगंज स्थित उम्मीद सामाजिक संस्था का होली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत अरना अग्रवाल द्वारा गणेश वंदना से की गई। इसके बाद छोटे छोटे बच्चों द्वारा गीत व नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिसने सभी का मन मोह लिया। वहीं इस कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि ठाकुर प्रवीण राज व नगर आयुक्त अमित असेरी रहे। संस्था की कोशिश रहती है कि जहां भी जिसको जिसकी जरूरत हो वह संस्था से संपर्क करे, संस्था उसकी सहायता करेगी। सभी ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अंत में सभी सदस्यों व महिलाओं ने होली के गीतों पर नृत्य भी किया और आए सभी अतिथियों ने संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। होली मिलन कार्यक्रम उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा हर वर्ष रखा जाता है। ये संस्था गत 12 वर्ष से समाज सेवा में काम करती चली आ रही है। इस संस्था द्वारा होली मिलन कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों की प्रस्तुतियाँ रखी गई। होली मिलन के कार्यक्रम को सब लोगों ने खूब सराहा। क्या विशेष रहा आज के कार्यक्रम में? आज के कार्यक्रम का विशेष ये रहा कि अब सांस्कृतिक झांकी में बाहर की झांकी निकला के बच्चों की प्रस्तुतियाँ दी गई। उन्होंने राधा कृष्ण के रूप में और अन्य प्रकार के कई के रूपों में डांसों को अपने नृत्यों को प्रस्तुत किया। मंच पे संचालन कर रहे हो और विभिन्न विधाओं से युक्त नृत्य इस मंच पे हुआ हो और उसके साथ साथ हम आत्मा से परमात्मा के मिलन में भी सहज योग में भी जाने की चेष्टा कर चुके हों, तो वहाँ इस प्रतिमा की क्या हैसियत और जो कुछ बोल पाए। कभी भी माँ सरस्वती मुझ पर कृपा करना कि मैं कुछ बोल पाऊँ। विक्रम जीन वाला हमारे देश में है, मदर भाई हैं, बहुत दिन बाद मिले हैं तो मिलने का मौका दिया। होली मिलन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो चार पंक्तियाँ कही कि मिलना ही जिंदगी का सिद्धांत है, मिलने से मिलता है, जब हम मिलते हैं तो जरूर मिलता है,
और जो मिलता है उसको अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। रंगों की बात की तो कहना चाहूंगी कि रंग गिराया जब चुटकी ने, रंग गिराया जब चुटकी ने तो वो बन गया रंगोली, रंग गिराया जब चुटकी ने तो वो बन गया रंगोली, और रंग बनाया जब मुट्ठी ने तो वो बन जाता है। वाह वाह वाह, बहुत कुछ। कि सब लोग अपने अपने समाज से, अपने अपने क्षेत्र से, अपनी अपनी जो भावना हम एक दूसरे को जोड़ती है, जो धर्म, क्योंकि हर एक धर्म एक अपनी कहानी है, एक उसकी रचना है, और उन सब चीजों को हमें जो जोड़ता है शायद वो शब्द है इंसानियत का, और जो उम्मीद एक दूसरे समाज से हम करते हैं उस संस्था का जिसका नाम उम्मीद हो, तो मैं सोच सकता हूं कि आगे के लिए उम्मीद करूंगा कि सबसे जो कार्यक्रम है ऐसे ही सफल आप लोग करते रहें, और संचालक महोदय जो इतना बढ़िया उद्बोधन कर रहे हैं उनको भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अपडेट के लिए आप देखते रहिए एटी न्यूज़ इंडिया, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।